मास्टर स्ट्रोक में अब सबसे पहले बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की करेंगे। कल 26 जुलाई है यानी करगिल विजय दिवस, दो दिन जब पाकिस्तान पर 1999 में भारत ने विजय प्राप्त की थी। इतिहास में पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ा है हमेशा पाकिस्तान हारा है, लेकिन उसके पहले हमले यानी 1948 के कबायली युद्ध में भारत ने एक ऐसी धरोहर गवाई है जिसका दुख हमेशा रहेगा, और उस धरोहर का नाम है शारदा शक्तिपीठ जो अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। शारदा पीठ का जिक्र कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और जोर देकर ये कहा कि अमरनाथ भारत में और मां शारदा का पीठ पीओके में कैसे हो सकता है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह उस सरकार के रक्षा मंत्री हैं जो दो दो बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। ये वो सरकार है जो संसद में चिल्लाकर ये कहती है कि हम पीओके को कभी नहीं भूल सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करने का वक्त आ गया है। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले यही रिपोर्ट। तो क्या अब अगला नंबर शारदा शक्तिपीठ का है? क्या दशकों पुरानी इच्छा अब पूरी होगी? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों। क्या शारदा पीठ भारत में शामिल होगा? यह वो सवाल है जिन पर कल से बहुत तेजी से चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत बड़े संकेत दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हो और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हो। यह है बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की यात्रा, जहां तमाम भौगोलिक परेशानियों के बावजूद बाबा के भक्त जरूर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ से सिर्फ 136 किलोमीटर दूर है शारदा पीठ, जहां चाहकर भी देवी के भक्त नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। ये दुर्भाग्य है कि अब ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे में है,